हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में तो दो दिन से क्लासेस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था किसी काम से तो अब मैं वापस आ चुका हूं और मैं वापस से क्लास ले रहा हूँ आज क्या है टॉपिक चर्चा में चर्चा है और मुद्दा थोड़ा गर्म है गर्म क्या है यस बैंक yes के जो एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स है ना उनको राइट ऑफ करने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया है बेसिकली हमें यह जानना है कि एडिशनल टीयर वन बॉन्ड क्या होते हैं बाकी पूरी न्यूज तो मैं कवर अप करूंगा ही क्या जो घपला किया गया है यस yes बैंक के द्वारा वो सब चर्चाएं तो होंगी ही इस वीडियो के अंदर में पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने सारे मित्रों के साथ फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी स्टेट उनका स्वागत है कि न्यूज क्या है तो जीएस पेपर थ्री से इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया था कि एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स थे जो एसबीआई के अगेंस्ट केस हुआ था में उसको बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है राइट ऑफ करने से मना कर दिया गया है यह आप न्यूज देख सकते हैं तो इस न्यूज न्यूज में में क्या पाया गया? में ये पाया गया गया यह कि जब एसबीआई ने इसके ऊपर में एक जांच बैठाया कि हाँ भैया जी ये जो एडिशनल टीयर वन बॉन्ड का जो घपला किया गया यह क्या एक्चुअली में किया, गया है? किया गया है कि बैंक का जो ये बॉन्ड था ना टीयर एट एटी वन यानी एडिशनल टीयर वन बॉन्ड उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से हटाकर इंडिविजुअल इन्वेस्टर में बांट दिया गया ठीक है यानी ये जो बॉन्ड थे ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थे जो संस्थागत लोग इन्वेस्ट करते हैं कोई संस्था इन्वेस्ट करती है बहुत बड़ा बड़ी बड़ी कंपनी है जो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करती है उनके बॉन्ड्स को रिलेटिवली ट्रांसफर कर दिया गया ये ऐसे बॉन्ड है ना जो कोई कंपनी ही एक तरह से समझ लीजिए इसको खरीद सकती है और कंपनी टू कंपनी बेच सकती है किसी इंडिविजुअल को नहीं बेच सकती पहला काम तो इन्होंने क्या किया किसी इंडिविजुअल को बेच दिया दूसरी बात इन्हें बेचने से पहले यह कहा किया गया ना कि भैया नहीं खरीद रहे हो रिस्क है लेकिन सबसे बड़ी बात थी ना कि बिल्कुल अनसिक्योर बॉन्ड थे यानी जब सेवी ने जांच कराया तो ये पाया कि जो इन्वेस्टर थे ना उनको झूठ बोलकर यहाँ पे बॉन्ड बेचा गया है ये बैंक के द्वारा ये एक तरह का एफडी है जबकि इस बॉन्ड के अंदर में सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं किसी भी अन्य बॉन्ड से तो यहां पे इन इन्फॉर्मेटिव तरीके से बेचा गया घपला किया गया है यस बैंक के के द्वारा और यही बोल के, जो बोल रहा है ना कि बेच रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है अपने प्राइवेट वेल्थ को अच्छा करने के लिए यस yes बैंक क्या करना चाह रही थी अपने रिस्क को कम करने के लिए ये सारे बॉन्ड्स जो है इंडिविजुअल में बांट देना चाहती थी और उस, उन्होंने बांट दिया अब इसको ये राइट ऑफ करने के प्रयास में थे तब एस सेबी ने जांच बैठाया और यहाँ पे आज की भी न्यूज है कि दो करोड़ का फाइन लगाया गया है आरबीआई के द्वारा यस बैंक के ऊपर में कि आपने ये घपलाबाजी जो किया है ना इसके ऊपर में आपको दो करोड़ का फाइन किया जाता है पेनाल्टी लगाया गया है आरबीआई के द्वारा और ये भी कहा गया सेबी के द्वारा कि आपने मिसलीड करके लोगों को क्या किया है इन्वेस्टर को बेचा है अपना ये बॉन्ड्स तो यानी ऐसे बॉन्ड बेच रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है और आप ये बोल के बेच रहे हो कि इसमें ना मात्र रिस्क है ये एफ डी आई है भाई एफ डी आई बोलता हूँ एफ डी है एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और सुपर एफडी है ऐसे बॉन्ड आपको नहीं मिलेंगे बहुत सिक्योर है बहुत अच्छा है आप तो वो ठेले वाले की तरह काम किया है आपने हाँ भैया फल ले जाओ मेरे मेरे फल सबसे मीठे हैं बट वो फल तो अंदर खोला तो कीड़ा निकला था तो ये वाला काम किया है यस बैंक ने इसीलिए मुद्दा पूरा गर्म हो चुका है और कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा भी इसे खारिज कर दिया गया कि भैया अब आप, आप इसे राइट ऑफ नहीं कर सकते तो एडिशनल टीयर वन बॉन्ड होते के हैं ये समझिए एडिशनल टीयर वन बॉन्ड एकदम अनसिक्योर बॉन्ड होते हैं जो इनका कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता सिक्योरिटी क्यों नहीं होता क्योंकि इसमें प्रीपि परपेचुअल टेन्योर नहीं होता परपेचुअल टेन्योर का मतलब क्या होता है साथियों हो? परपेचुअल टेन्योर का मतलब होता है कि कोई भी फिक्स डेट नहीं जैसे है जैसे मानिए आपने कहीं पैसे लगाए उसका कोई फिक्स डेट होगा कि हाँ इतने तारीख को इतना रकम वापस मिलेगा ऐसा कोई भी फिक्स डेट नहीं है इसमें यानी ये एक एस आई पी कह सकते हो वेस्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिसका कोई भी टाइम नहीं है मेच्योरिटी डेट नहीं है बैंक के द्वा, द्वारा इस बॉन्ड को इशू किए जाते हैं जैसे आपका यस बैंक के द्वारा ही किए गए बैंक के पास इसमें सिर्फ कॉल अप ऑप्शन होता है यानी अगर बैंक जब चाहे तभी इस बॉन्ड को वापस ले सकता है यानी आप ये बॉन्ड को फिर कहीं नहीं बेच सकते हैं यानी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ा तब ये तभी पॉसिबल है जब बैंक आपसे वापस इन बॉन्ड को खरीद सके यानी आप इस बॉन्ड को आफ्टर मार्केट भी नहीं बेच सकते हैं। तो इतना बड़ा जो होता है ना झोल करने का जो प्रयास किया गया है येस बैंक के द्वारा और मैं लगातार ये देख रहा हूं कि प्राइवेट बैंक्स में ना बहुत ज्यादा घपला हो रहा है जैसे आप आईसीआईसी को ले लो लगातार केस होते रहते हैं एमडीएमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर में येस बैंक के ऊपर के मैनेजिंग डायरेक्टर को उठाकर लेके गया है कल तो इस तरह के चीजें आप देख रहे हो लगातार कि लगातार पैसे जो वेल्थ होते हैं ना कैपिटल उनकी खराब हो रही है और उस कैपिटल खराब कैपिटल को ये स्वस्थ बनाने के लिए ना लगातार घपला करते हैं गवर्नमेंट का आंख में धूल झोंकते हैं जिसके कारण ये तमाम तरह की परेशानियां सामने आती है और इसका अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो हमारे इन्वेस्टर्स को होता है जो अपना पैसा यहां पे लगाते हैं ठीक है थीके? तो ये बूस्ट करना चाहते थे अपना टीयर वन कैपिटल को टीयर वन कैपिटल एक तरह का इन्वेस्टमेंट है है कंपनी को ऊपर में में इतना में इतना डिटेल आपको जानने जरूरत नहीं बस जान लीजिए कि वन कैपिटल एक तरह का जो शेयर होल्डर इक्विटी कैपिटल्स होता है बैलेंस शीट के अंदर में उसको टीयर वन कैपिटल में हम लोग जानते हैं तो टीयर वन कैपिटल एक तरह का मैंने बता दिया आपको कि इन्वेस्टमेंट ही है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है अगर मानिए आपने इक्विटी में लगाया तो रिस्क तो समान नहीं होगा दूसरी बात कि एक और एक चीज़ समझिए मैं बेसिक यहाँ एक डिफरेंस बता देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट ना इक्विटी पे लगने के बाद वो लॉस में भी आपका सेम आता है ठीक है लेकिन आप बॉन्ड खरीदते हो तो आप ये समझते हो कि इस मैच्योरिटी डेट के बाद इतने पैसे मुझे मिलेंगे जैसे मानिए पंद्रह लाख का मैंने बॉन्ड खरीदा और मुझे कंपनी ने कहा कि तीन साल बाद आना ये तो मैं बीस लाख करके दूंगा तो इस तरह के बॉन्ड हम लोग खरीदते बेचते हैं लेकिन ऐसा बॉन्ड जल्दी कोई नहीं खरीदता इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका काम होता है उधार पे कैशलेस ट्रांजेक्शन करना मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं जिनका रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है अब भैया तुम इतने अनसिक्योर बॉन्ड को इंडिविजुअल में बांट रहे हो ये बोलकर कि सुपर एफडी है एफ है सेफ है तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टर की आंख में क्या कर रहे हो धूल झोंक रहे हो तो म्यूचुअल फंड भी एक तरह का परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है लेकिन जो आपका एडिशनल बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा एक तरह का आप कह सकते हो रिस्की बॉन्ड bond है बॉन्ड्स क्या होते हैं मैंने बहुत बार बताया है अब डिटेल में बताता हूं यहां पे नहीं लेकिन समझाने की कोशिश करता हूं अगर वो स्लाइड पढ़ाऊंगा तो मैं भी समझ में ना आए बेसिकली मैंने एडिशनल टीयर वन बॉन्ड बता दिया आपको कि एडिशनल टीयर वन एक तरह का अनसिक्योर बॉन्ड होता है जिसका कोई भी मेच्योरिटी डेट नहीं होता इसके पैसे आप कब वापस ले सकते हो जब जिस बैंक के द्वारा इसे इशू किया गया है अगर वही बैंक वापस मांगे आपसे अप, अपना बॉन्ड तभी आप पैसे ले सकते हो अदरवाइज पैसे नहीं ले सकते दूसरी बात टीयर वन कैपिटल इससे बूस्ट होता है कंपनी का और ये परपिचुअल इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है ओके सो so, उसके बाद बॉन्ड क्या होता है मैं ये चर्चा कर रहा हूं ओके तो बॉन्ड मानिए मैं बहुत बड़ा कंपनी हूं मैंने एक कंपनी खोल रखा है ओके कंपनी खोला है तो कंपनी में मेरे पास तीन रास्ते हैं पैसे लेने के एक तो मैं चला गया मानिए बैंक के पास लोन लेने के लिए दूसरी बात मैं चला गया शेयर मार्केट में शेयर मार्केट में क्यों गया क्योंकि मैं अपने हिस्सेदारी को बेचना चाहता हूं शेयर मार्केट में बेसिकली हम लोग हिस्सेदारी को बेचते हैं यानी एक कंपनी का अगर मानिए हजार टुकड़े हैं तो मैं एक टुकड़े को किसी निजी पर्सन को बेचता हूं तो एक टुकड़ा का क्या हुआ मैंने अपना हिस्सेदारी दूसरे कंपनी को बेचा उसी प्रकार तीसरा नास्ता क्या है एंजल इन्वेस्टर अब बेसिकली कहानी यहाँ पे है ठीक है मैं बड़ा कंपनी था मुझे पैसे की जरूरत थी मेरा बैलेंस शीट में पैसा कम था मेरा कंपनी का खस्ता एकदम स्थिति है भैया पैसे देने के रेडी नहीं है तो कोई भी बैंक हमको लोन नहीं देना चाहता है तो बैंक के पास यहाँ तो गेट बंद हो गया कि भैया आप मताओ मेरे पास आपका लोन जो है ना बिल्कुल नहीं चुकता आप आप फ्रॉड हो आप पैसे नहीं देते हो टाइम पे तो आपका गेट बंद कर लिया बैंक का हिस्सेदारी में बेचना नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि अपना ओनरशिप अपने हाथ में रखूं कंपनी का मालिक मैं हूं किसी और को मालिक बनने की कोशिश में ना दूं मैं तो इसलिए मैं क्या करूंगा शेयर मार्केट से ऑप्शन हटा के मैं चला जाऊंगा एंजल इन्वेस्टर के बाद अब ये समझिए एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं ये एंजल जो बोलता है ना ये एंजल ही खतरनाक होती है मैं कसम से बता रहा हूँ एंजल जो आपने सुना होगा एंजल समझ रहे हो ना मैंने बस लिख दिया तो ये एंजल लोग से दूर रहना ताकि सिक्योर रहो अब सुनो कंपनी क्या क्या एंजल एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्टर के के पास पास गई तो है पैसे हैं भैया क्या है पैसे हैं है है? यानी उनके पास उनके पास क्या है कैपिटल है अब ये कैपिटल क्या करेंगे ये किसी कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे कि हाँ भैया सरकार ने लिखा दे दिया कि हाँ इतने तारीख को आना इतना पैसा दे दूंगा मानिए मेरे पास पंद्रह लाख रुपए थे और मैंने पंद्रह लाख रुपया किसी कंपनी को दे दिया उस कंपनी ने एक बॉन्ड बनाया लिखित दिया कागज पर ये आना तीन साल बाद बीस लाख करके दूंगा यह सरकार ने किया समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि बॉन्ड्स क्या होते हैं ये समझिए मैंने हजार बार समझाया लेकिन फिर भी आज फिर बता रहा हूं प्रीवियस वीडियोस देखिए जाके एक वीडियो देखने से नहीं होता है लिंक देता हूँ आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो मैं बार बार चीजों को एक्सप्लेन करता हूं और बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूं लेकिन आप समझो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ऐसे तो वीडियो काफी लंबा बनेगा का ना अगर आपको जल्दी जल्दी टॉपिक कराना हैं तो आपको प्रीवियस वीडियोज भी देखने होंगे ताकि चीजें कुछ वहां से कवर अप हो सके अब इतनी डिटेल मैंने करा रखी है बॉन्ड्स के ऊपर में बहुत सारे क्लासेस में पूरा डिटेल में बताया बॉन्ड के ऊपर में बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं बहुत सारे मैंने इसे बताए हैं चीजें बट आप लोग जाके वीडियोस नहीं देखते हैं, और देखते हैं तो ना शेयर करते हैं ना कमेंट करते हैं तो यार थोड़ा सा प्रयास करो अपने स्तर से भी ओके मैं बता रहा था बॉन्ड क्या है तो कंपनी तीन जगह से पैसे उठा सकती है एक बैंक के पास मेरी कंपनी कैसी है बड़ी कंपनी है ए टू से छोटी है लेकिन बड़ी कंपनी है तो मैं शेयर मार्केट में नहीं जा सकता अपना हिस्सा नहीं बेचना चाहता बैंक मुझे तैयार नहीं है पैसे देने के लिए मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है तीसरे बचे एंजल इन्वेस्टर जिनके पास पैसा है मार्केट में बैठे हुए हैं पैसे लेके अब ये पैसे लेके जो बैठे हुए हैं इन्होंने क्या किया बोला कि अच्छा एक काम करो ना कि मुझे तुम लिखित में दे दो कि बीस लाख दे दोगे तीन साल बाद ठीक है पंद्रह लाख दे रहा हूं बीस लाख दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है ले लो पैसा मैं तीन साल बाद आऊंगा तुम क्या करना मुझे बीस लाख रुपया दे, दे देना उसी प्रकार ये जो लिखित कागज में देगा ना दैट इज द बॉन्ड और ये पैसे दे रहा है ये कंपनी के लिए लोन हो जाएगा और किसी इन्वेस्टर के लिए ये कैपिटल हो जाएगा तो देख सकते हो आप यहाँ पे डायग्राम से भी दिखाया कि इन्वेस्टर क्या करते हैं अपना कैपिटल देते हैं या लोन के रूप में किसी कंपनी को बॉन्ड देते हैं गवर्नमेंट को बॉन्ड देते हैं और वही चीज बॉन्ड एक लिखित में कागज मिल जाता है इन्वेस्टर को और किसी निर्धारित तिथि के बाद यही इन्वेस्टर अपने इस बॉन्ड को लेकर जाते हैं और कंपनी से अपना पैसा ले लेते हैं दूसरी बात बॉन्ड का महत्व क्या है बॉन्ड का यह महत्व है कि इन्वेस्टर को इससे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बियॉन्ड द स्टॉक सिर्फ स्टॉक तक लिमिटेड नहीं रखते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको अगर मैं चाहूं तो ये अपने बॉन्ड को किसी और को भी दे सकता हूं वो आगे फ्यूचर में पैसे ले लेगा तो यहां पे आप इजिल ट्रांसफेबल कर सकते हो चीजों को इसमें इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है टैक्स इसमें कम लगता है और काफी सारे इसके फायदे होते हैं स्टॉक और बॉन्ड में डिफरेंस यही मैंने बता दिया स्टॉक में आप शेयर खरीदते हो कंपनी से जहां रिस्क होता है लेकिन बॉन्ड में कोई रिस्क नहीं होता बीस लाख का अगर आपने बॉन्ड साइन किया है तो बीस लाख रुपया आपको देने पड़ेंगे चाहे आप अपनी कंपनी बेच कर दो किसी निर्धारित तिथि के बाद आप ये बहाना नहीं बना सकते कि भैया पैसे नहीं है बाद में ले जाना दो साल बाद ले लेना कुछ महीने के बाद ले लेना ऐसा नहीं चलेगा मैं आपकी कंपनी बिकवा दूंगा लेकिन पैसे लेकर रहूंगा तो ये बॉन्ड एक तरह का सेफ बॉन्ड होते हैं दूसरी बात स्टॉक सेफ नहीं होते जैसे आप शेयर मार्केट वगैरह देखते हो कि आपका शेयर बढ़ता होगा तो आपको मुनाफा होता है आपका शेयर गिरता होगा तो आपको भी लॉस यानी फायदा नुकसान आप दोनों साथ में झेल रहे हो ठीक है तो ये था कंप्लीटली आप समझ सकते हो रिस्क फ्री कम नॉट कंप्लीटली रिस्क फ्री यहां पे लिख दिया है बट आप कह सकते हो कि कंप्लीटली रिस्क फ्री होता है आप मानिए कंपनी का कंपनी के एसेट ही आप बेच रहे हो तो आपका पंद्रह लाख ही आ रहा है तो एटलीस्ट पंद्रह लाख आया मान के चलिए पांच लाख आपको मुनाफा नहीं हुआ ये बात अलग है लेकिन आप ये कहोगे कि पैसा नहीं मिलेगा एक रुपया नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है पैसा तो मिलेगा जितना होगा उतना बन पड़ेगा आप कंपनी को बेच के जितना पैसा आपके हिस्से में आता उतना मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस हो गया तो आपका भी लॉस हो गया ऐसा नहीं होगा कि कंपनी का लॉस पे आपका भी लॉस हो गया ठीक है तो ये सब चीजें मैंने बता दिया और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें लेस वॉलेटाइल होता है बॉन्ड रिस्क इसमें कम होता है ये सब मैंने बता दिया बॉन्ड कितने तरीके से कितने किसके किसके द्वारा इशू किए जा सकते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इशू किए जा सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक भी करती है साथ ही साथ कॉर्पोरेट के द्वारा भी इसे इशू किया जा सकता है बेसिकली बॉन्ड से हम क्या कर सकते हैं अपने पैसे को देते हैं और क्या करते हैं एक निर्धारित तिथि के बाद अपने पैसे को वापस मांग लेते हैं बीच में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता ठीक है ये है। ये समझिए, बेसिकली मेन फंडा है कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता अगर 20 लाख बोला है तो तीन साल बाद 20 लाख मिलेगा लेकिन आप ये बोलोगे कि 15 लाख ले जाओ और 20 लाख रुपए के बीच देना ही है अंत में लेकिन बीच में कुछ मंथली भी भेजते रहो तो ऐसा नहीं होता बॉन्ड में बॉन्ड में आपको डायरेक्ट पैसा मिलेगा एट द एंड बीच में आपको एक रुपया नहीं मिलेगा लेकिन वहीं पे अगर कंपनी लोन लेती है तो उनको बीच में इंटरेस्ट चुकाते रहना पड़ता है हर मंथ ईएमआई के द्वारा इसलिए कंपनियां लोन लेने से बचती है और यही एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाती है एंजल बन के बट इन्हीं एंजल इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी किया गया है आपका येस yes बैंक के द्वारा और उन्हें कहा गया कि सुपर एफ है सेफ एफ है भैया खरीद लो लेकिन और मोस्ट अनसिक्योर्ड बॉन्ड जैसे एडिशनल टीयर वन बॉन्ड को बेच दिया गया ये थी पूरी कहानी आशा करता हूँ चीजें पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं आई के ऊपर भी क्लासेस चल रही हैं देख ले जाके तब तक ले रखें अपना ध्यान मुझे दे आ गया धन्यवाद जय हिंद जय भारत